नमस्कार, आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करछु। विकास एबे देशर सर्वोच्च पदरे प्रथम थर पई आदिवासी महिला अपराजय जयजात्रा रे भारत रायसीना हिल रे एथर रायरंगपुर रो छियर राज गरीब आदिवासी महिला ओ वंचित देशर बहुजन समाज जीवनर कष्ट संघर्ष बाधाबंधन को भेदी करी गरीबी ओ सब असुविधा को सामना करी केमिति सफलतार शीर्षरे पहुँचुए। रायरंगपुर रु रायसीना हिल रो सफल जात्रा करी द्रौपदी एहि वार्ता देइछन्ति। यहाँ ही न्यू इंडिया रो नुआ दिशा आ द्रौपदी को रही विजय रे उत्सव मुखर एवं सारा देश देशर सबु प्रांत रे महाविजय रो महापर्व अभिनंदन द्रौपदी। सारा देश रे एवं उत्सव रो महत्व गरीब आदिवासी महिला ओ वंचित वर्ग पाळुची विजय रो उत्सव बढ़िची ओडियां को गर्व गौरव आदिवासी नृत्य सांग को सबुति आतशबाजी रो झलक दिल्ली रु पल्ली एवं विजय धुन रे प्रकंपित देशर गरीब आदिवासी महिला और वंचित बहुजन समाज वर्गर ए हेउची उत्सव द्रौपदी विजय रे समस्त होती एथर सामिल। आदिवासी नृत्य संघ को आतशबाजी पूरा परिवेश विजय धुन्ने प्रकंपित ए सबु दृश्य हेउची भारतर राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान पंजाब एवं मध्यप्रदेश सबुठी सेलिब्रेशन न माहौल। देशर राजधानी दिल्ली रे एथिला स्वतंत्र उत्सवर दृश्य नूतन राष्ट्रपति को स्वागत करने एकाठी होते दिल्लीवासी पारंपरिक नृत्य गीत सांग को परस्पर मिठा दिया देशर विभिन्न प्रांतर आदिवासी जनजातिर कलाकार एकाठी हुई करते विशेष कार्यक्रम आयोजन माँ महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है, एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। एक नया इतिहास जो भारत को आगे बहुत तेज गति से बढ़ाएगा। देश एक महिला राष्ट्रपति को, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को चुनाया है। ये बहुत बड़े अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं ऐसे एक कैंडिडेट को एनडीए के कैंडिडेट के रूप में चिन्हित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और द्रौपदी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास रचाया जाएगा। सेहीपरि दिल्ली बीजेपी पक्षर मध्य द्रौपदी का विजय अवसर में आयोजित होता विराट रैली जेउथरे सामिल होइतिले बीजेपी रो नेता ओ समस्त कर्मी माने। हातरे भारत रो तिरंगा सह हजार हजार संख्यारे कर्मी माने शोभा यात्रा मान करथिले। एक आदिवासी महिला का प्रथम नागरिक बनना ये देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव था। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये संभव था और आज हम सबको बहुत खुशी है और इस खुशी का इजहार दिल्ली की सड़कों पर लोग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। देश की उस वर्ग की महिला
सही मायनों में अब 80% देश की जो आबादी है वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, पीड़ित, वो जो वर्ग है वो देश के सबसे संवैधानिक पद पर बैठाने का मतलब है कि अब सही मायनों में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उस गरीब व्यक्ति को कि केवल राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, पप्पू पैदा हो जाए वही राजा माना जाएगा, नहीं, प्रतिभाशाली तो गरीब बहन के पेट से भी पैदा होते हैं, खिलाड़ी के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, देश के शासन के रूप में हो। देश के हर गांव में खुशी का बाजा बज रहा है। मेरा मानना है एक जनजातीय बेटी, आदिवासी बेटी का पहली बार भारत की सर्वोच्च कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना राष्ट्रीय उत्सव के समान है और हम सब बहुत खुश हैं। हजारों हजारों लोग आज अपने नए महामहिम राष्ट्रपति जो जनजातीय समाज से है उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए सड़कों पर है। अगर ये संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए आज वो सपना संकल्प हुआ जो कोई आदिवासी समाज सोच सकता था कि उस कच्ची गांव के रास्ते से और रायसीना हिल का रास्ता आज आसान कर दिया। मोदी जी का धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद। सेपर उत्तर प्रदेश रे होइतला विजय उत्सव आदिवासी जनजाति को सम्मान और द्रौपदी को विजय रे शामिल हेबा पई नियारा ढंग रे नजर आसीथिले यूपी वासी। पारंपरिक आदिवासी नृत्य और वाद्य यंत्र रो ताले ताले सभी नाच गीत रे मस्कुल थिले। परस्पर को मीठा मध्य देइथिले एवं जणाइथिले शुभेच्छा। उत्साहित और खुशी की बात है, अपार खुशी है कि आज हमारे वर्ग के हमारे आदिवासी समुदाय से एक महिला द्रौपदी महिला जो हमारे भारत की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाई गई है जो हम लोगों के बड़े गर्व की बात है। आदिवासियों को राष्ट्रपति बना दिया इसके लिए बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा जो भी है हम जश्न मना रहे हैं पूरे बंटांगिया पूरे भारत के लोग, भारत के बाद सीधे भगवान जी बारिश कर रहे हैं, इसकी इससे ज्यादा खुशी कहाँ होगी। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा जब किया था, उनका नाम अनाउंसमेंट जब हुआ था तभी से हम लोग उत्साहित थे। जो छोटे वर्ग के जातियों को इतना बड़ा सम्मान मिले तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। सेपरि उत्तर प्रदेश रो वाराणसी शहर रे आंबेडकर को प्रतिमूर्ति तले शहरवासी एकाठी होइतिले एवं करिथिले विजय उत्सव पालन। हाथ रे पुष्पगुच्छ ओ द्रौपदी मुर्मू को फोटो सह आतशबाजी करी करिथिले द्रौपदी को विजय रे सेलिब्रेशन। बाबा साहब अंबेडकर को माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया, अभिनंदन किया है क्योंकि उनके संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण आज द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचती हैं, भारत के उत्थान के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं। हम सभी काशीवासी माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से उनके लिए भारत को नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं। सेपटे हरियाणा और पंजाब रे मध्य थिला उत्सवर माहौल, आतशबाजी सह नृत्य गीतर होइतला आयोजन। एथिरे राज्यवासी होइतले सामिल, परस्पर मिठा खुआई देइतले शुभेच्छा। जेंथुरु स्पष्ट होइतला जे ए विजय सभीकर बहुत एक ऐतिहासिक पल है और सारे पंजाबी सारे हिंदुस्तानी खुशी झूम रहे ने। जिस प्रकार नाल एक आदिवासी समाज की महिला अज देश के दे सब तो उच्चे सिंघासन ते विराजमान हुई है, ये पूरी दुनिया नूं एक सुनेहा है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अज किड्डा मजबूत है कि एक ऐसे पिंड पैदा होने वाली महिला जिथे बिजली भी नहीं सी, जिन्हें बहुत मुसीबतों का सामना किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत नाल अपनी काबिलियत दे नाल वो अज इस पद ते पहुंची है। और अपने राजस्थान रे लोक माने बाहर करथिले विजय रैली जेउथरे शामिल होइथिले महिला माने। विशेष भावरे द्रौपदी को समर्थन करी एमाने करथिले विजय उत्सव पालन। एक साधारण
कौन सी महिला को इतना उच्च स्थान भारत में मिला है और आदिवासी बहन वो राष्ट्रपति बन सकती है, ये है असली लोकतंत्र। मध्यप्रदेश में मध्य देखा मिलता विजय उत्सव झलक। राज्यर विभिन्न स्थान में बीजेपी कर्मी माने एकाठी हुई करथिले विजय रैली। सबुठी बाजा बाण फुटाई करा जाइथिला देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को स्वागत और शुभेच्छा एवं जणाइथिले समस्ते अभिनंदन। अपराजय जयजात्रा रे भारत रायसीना हिल रे रायरंगपुर झीर राज जीवनर कष्ट संघर्ष बाधाबंधन को भेदिकी गरीबी और सबु असुविधा को सामना करी केमिति सफलतार शीर्ष में पहुंची हुए रायरंगपुर रायसीना हिल रो सफल यात्रा करी द्रौपदी ही वार्ता देइछंती आ एही उत्सव से सफल यात्रा को सलाम करबा पाई के सेपरी एथिला द्रौपदी को विजय रे भारतर दक्षिण प्रांतर थिबा राज्य गुडी करे उत्सव दृश्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल तमिलनाडु कर्णाटक और पुडुचेरी में आयोजित होता देशर प्रथम आदिवासी ओडिया राष्ट्रपति शुभेच्छा उद्देश्य रे विजय उत्सव समर्थन जनाइथिले सबु वर्गर लोक माने। दृश्य हूँ आंध्र प्रदेश विभिन्न सहरर जोठी बीजेपी कर्मी माने करथिले विजय उत्सव पालन बाजाबाण फुटाई करा जाइथिला सेलिब्रेशन जड़े महिला विजय में सामिल होते देशर महिला विजयवाड़ार ए दृश्य से ही बार्ता दे परस्पर को शुभेच्छा सह मिठा खुआई नाच गीत सामिल होते महिला साथ है हमारा महिला लोग को अच्छा तरफ ये आंध्र प्रदेश का भारतीय जनता महिला मोर्चा मदद कर रहे द्रौपदी मुर्मू के लिए। मुर्मू जी ने जिताया और देश का बढ़ाने के लिए देश के साथ आदिवासी लोगों को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के इसके नेतृत्व में करने के लिए देश को बढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को मदद दिया था। आदिवासी लोग को मन्यम कोई छोटे लोग रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी सोचने के जैसा सोचते हैं जैसा कराने की एक महिला एक राष्ट्रपति एक आदिवासी को ये करने का आइडिया में भारतीय जनता पे एक सोशल जस्टिस करने के लिए अच्छा तरफ दिया है। इसके बारे में देश पूरा मदद मिल रहा है। इनके द्रौपदी मुर्मू அவர்கள் ஆதரவளித்து ஒரு மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்திருக்காங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள். நன்றி. பாரத் மாதா கி ஜெய். சேபரி தெலங்கானாரே மத்திய தேகிபா கு மிதிலா விஜய உற்சவர ஜலக். विभिन्न सहर रे बीजेपी कर्मी माने विजय रैली रो आयोजन करथिले। कर्णाटक रे मध्य देखिबा को मिलिथिला समान दृश्य। बीजेपी पक्षरु द्रौपदी को विजय अवसर रे आयोजित होइतला विराट रैली जेउतरे शामिल होइतिले बीजेपी रो नेता ओ समस्त कर्मी माने। सेपटे केरल रे लोक माने बाहर करथिले विजय यात्रा जेउथिरे शामिल होइथिले महिला माने द्रौपदी को समर्थन करी समस्त करथिले एही विजय उत्सवर सेलिब्रेशन। पुडुचेरी रे लोक माने मध्य शामिल होइथिले द्रौपदी मुर्मू को विजय उत्सव रे महिला माने मध्य समर्थन रे शामिल होइथिले द्रौपदी को समर्थन करी समस्त करथिले विजय उत्सव पालन। सेपटे तमिलनाडु रे आयोजित होइथला स्वतंत्र विजय उत्सव कार्यक्रम देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को शुभेच्छा जणाइबा पई रास्ता को ओल्हाई आसीथिले राज्यवासी। विभिन्न सहर रे विजय रैली सह देखिबा को मिलिथिला आतशबाजी और पारंपरिक नृत्य गीतर झलक। कन्याकुमारीरु काश्मीर सबुठी देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को शुभेच्छा जणाइबा पई आयोजित होइथिला विशेष उत्सव जहाँ सरिबार ना काश्मीरवासी करथिले नियारा सेलिब्रेशन द्रौपदी विजय में निजक सामिल करथिले पारंपरिक नृत्य गीत और आतशबाजी करी विजय रैली में सामिल होइथिला पूरा काश्मीर।
काश्मीर बीजेपी पक्षर एपटे विराट विजय राली आयोजन जो दल शह कर्मी जोग देते नरेंद्र मोदी जी के फैसले को पूरा जम्मू कश्मीर भी यहाँ पूरा देश सम्मान करता है। और आज के दिन मैं श्रीनगर में ही हूँ। एक बार जब बीडीसी का चुनाव हम लोग जीते थे तब यहीं पर बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल था, आज भी जश्न का माहौल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को लगता है कि आम आदमी इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है, सदर हो सकता है। सेपटे पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड में देखा मिलता समान दृश्य। अभिनंदन द्रौपदी प्लाकार्ड धरी रास्ता को ओह्लाई हजार हजार साधारण जनता और राज्य बीजेपी कर्मी माने विराट राली सह द्रौपदी विजय रे परस्पर को शुभेच्छा जनाइथिले समस्ते। सेपटे महाराष्ट्र में देखा मिलता समान दृश्य। बीजेपी पक्षर द्रौपदी विजय अवसर में आयोजित होता विराट राली जो सामिल होते बीजेपी नेता और समस्त कर्मी माने कि अतिशय उत्तमपणे भूषवत भूषवत आज या स्तरापर्यंत आल्या आणि त्यातून माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या मनामध्ये विश्वास जागृत झाला कि या देशामध्ये नेतृत्व करायला आपल्या घरातलं कोणीतरी राजकीय नेता असावं लागत नाही। आणि त्यामुळे केवळ भारतीय जनता पार्टीला आनंद आहेच कि भारतीय जनता पार्टीच्या एनडीएचे उमेदवार भरघोस मताने विजयी झाले। अन्यपटे गोवा गुजरात और देशर अन्य राज्य में विभिन्न प्रांत में देखा मिलता विजय उत्सव झलक। राष्ट्रपति चूंटनी में बे प्रतिनिधि लड़ता हो प्रत्याशी लड़ता हो एक जीते स्वाभाविक घटना है। परंतु द्रौपदी मुर्मू नु राष्ट्रपति पद पर बेसवु श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनव देश 75 वर्ष लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी पछी पहली बार देश राष्ट्रपति पद पर एकदम नीचे ना तबका माथी आदिवासी समाज माथी आदिवासी मा पण सौथी पछात क्षेत्र माथी संथाल माथी एक महिला देश ना प्रथम नागरिक तरीके विराजमान थाय ये देश ना लोकतंत्र नो बहु मोटो विजय। द्रौपदी मुर्मू देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति स्वाधीनता परे जन्म होइतबा प्रथम राष्ट्रपति सर्वकनिष्ठ ओडिशा रु प्रथम एवं देशर द्वितीय महिला राष्ट्रपति होउछति द्रौपदी मुर्मू जहां को समर्थन एबे सारा देशवासींकर। सारा देश में उत्सवर माहौल। गरीब आदिवासी महिला और वंचित वर्ग पालुची विजयर उत्सव। बढ़ी ओडिया गर्व गौरव। स्वाधीनतार 75 वर्ष पर रायसीनारे राज करिबे आदिवासी महिला। एथिपाई द्रौपदी मुर्मू गाँ ठारु आरंभ करी दिल्ली जाए चली विजय उत्सव। प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यर राज्यपाल केन्द्रमंत्री और मुख्यमंत्री माने द्रौपदी उद्देश्य शुभेच्छा बार्ता पठाई एपरिकी विरोधी दल नेता माने मध्य विजय पाई बधाई जनाउछन्ति। शुभकामना है, बड़े जीत है, पहले बार मौका मिला है आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए मौका मिला है। अभिनंदन करता हूँ, बड़े जीत है। हर स्टेट में नागालैंड में 100% वोट मिला, आंध्र में 100% वोट मिला, हर स्टेट में वोट मिला है, ये बड़ा जीत है। आदिवासी समाज के लिए, देश की दलित समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है। जब देश का पिछड़ा हुआ वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में,
देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जाए। पूरा देश में उल्लास का वातावरण है। मैं अपनी ओर से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके दीर्घकालिक जीवन स्वस्थता से जिएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओडिशार एक अख्यात पलिरवासी आज भारत राष्ट्रपति पद पाई तथा जड़े आदिवासी महिला भाव देशर सर्वोच्च पद लाभ कर द्रौपदी मुर्मू संघर्ष और विजय को नहीं समस्त अच्छा बेस आनंदित। जड़े साधारण आदिवासी परिवार आसी आज देशर सर्वोच्च पदवी हासिल कर द्रौपदी मुर्मू समस्त देशवासी प्रेरणार उत्स पलटिता बेले एवं सबुठ विजय उत्सव आदिवासी समाज के साथ साथ महिलाओं में और सारे कमजोर दलित शोषित वर्गों में एक उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया। देश की आज़ादी का ये 75वां वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल को लेकर बहुत कल्पना किया है और सही मायने में देखा जाए तो आज़ादी का ये जो अमृत काल है ये आज सार्थक हुआ है। भारत ने इतिहास रचा है और ये गौरवान्वित किया है नारी शक्ति को भी, और पहली आदिवासी माता हमारी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की इस बेटी राष्ट्रपति बनने जा रही है। मुझे लगता है ये महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण आज प्रस्तुत हुआ है। एबे अपेक्षा 2022 जुलाई 25 को द्रौपदी मुर्मू को अपेक्षा देशवासी को। परंपरा अनुसार आगामी 25 तारीख में पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल रे देशर 15वें राष्ट्रपति भावे शपथ नेबे द्रौपदी मुर्मू। एथिपाई जोरदार प्रस्तुति आरंभ हो सारी। सारा देश रे बे सेलिब्रेशन रो माहौल। द्रौपदी मुर्मू देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, स्वाधीनता परे जन्म होइतिबा प्रथम राष्ट्रपति, सर्वकनिष्ठ ओडिशार प्रथम एवं देशर द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेपरि बीजेपी पृष्ठभूमि आसीतिबा द्वितीय व्यक्ति जी कि एही सर्वोच्च सांविधानिक पदवी रे बसिबा को जाउछन्ति। तांकर शपथ समारोह को एबे चाहि रहिछन्ति समस्त देशवासी। तो सारा देश रे एबे उत्सवर माहौल। गरीब आदिवासी महिला और वंचित वर्ग पालुची निज विजयर उत्सव। बढ़ी ओडियां गर्व एवं गौरव। स्वाधीनतार 75 वर्ष पर रायसीनारे राज करे जड़े आदिवासी महिला। तेरे वर्तमान पर समय सरी विदाय दिंतु। आमर स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखा। नमस्कार।